लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वह कितने आधारों पर किया गया है। तीन मूल रूप से प्रकार से किए गए हैं। इसका जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उन चट्टानों के आधार पर, कालक्रम के आधार पर तीन श्रेणियों में भारत के भूआकृति प्रदेशों को विभक्त किया गया है। एक तो आपने देखा है कि पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के नाम से। दूसरा बीच का जो क्षेत्र पड़ता है वो मध्यवर्ती क्षेत्र के नाम से यानी उत्तर का विशाल मैदान के नाम से भी कह सकते हैं उसको। और तीसरा आपने देखा था दक्षिण का राजकीय पठार। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्रम में जैसा कि हम आप देख रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है या पर्वतीय प्रदेश और फिर उत्तर का विशाल मैदान उत्तर का विशाल मैदान जो है हम लोगों ने देखा था। लास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनकी डिटेल कुछ की थी, है ना। आज हम लोग उसी में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आज फिर देखेंगे उत्तर का विशाल जो मैदानी क्षेत्र है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसी में आगे कंटिन्यू। चलिए उसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख रहे थे, है ना, जिसमें मैंने कहा था कुछ और दो पॉइंट इसी में ऐड कर लीजिए जो कल लिखे थे लास्ट में। लिखिए गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप, गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप का स्रोत, निक्षेप का स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल, विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, तथा विभिन्न धार्मिक केंद्रों जैसे, विभिन्न धार्मिक केंद्रों जैसे, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थित हैं। ये सब कहाँ पे है भाई, जैसे शिमला है, श्रीनगर है, मसूरी है, ये क्या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शहर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्या विशेषताएं हैं हिमालय, हिमालय पर्वत क्षेत्रों की। तो उसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। तो इसके लिए तो फिर साउंड प्रूफ रूम बनवाना पड़ेगा भाई, बाकी लोग सुन रहे हैं वैसे प्रयास आप भी करिए, पहले दिन है आगे आ जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, ये साउंड वगैरह की चीज़ें दुर्लभ है, अब ये सब तो यहाँ पर तो कहना उचित नहीं है, दिक्कतें हैं, है ना, क्रॉस हो जाता है जो भी क्लास में अंदर चल रहे हैं, ये दिक्कतें होंगी। बाबू वीडियो सुनाने मन रहा है, जो दिक्कत होगी वो वीडियो जाके देखिए, सरकार का कम से कम उस पर भी पढ़े कि लोग आते हैं चैनल पर यही पढ़ करके ऑफलाइन ही सब हो जा रहा है। चलिए अभी दिक्कत नहीं होगी आपको, चलिए पढ़िए। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे भाई कि जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं जैसे श्रीनगर है, शिमला है, मसूरी है, ये सब क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हिमालय में ही स्थित है, है ना, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ही। इसके अलावा भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ, है ना, दुर्लभ स्थान है ना ये सब, तो वहाँ सब भी हिमालय में, माता वैष्णो देवी भी देख लेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र उसी में भी, वो भी कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्रों में ही ना। ये सब बड़े जो है हिमालय का जो श्रेणी बनी है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, कहीं ना कहीं इन्हीं में से है, तो ये भी इसकी उपलब्धि ही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जल विद्युत परियोजनाओं जैसे, जल विद्युत परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल पर्वतीय तथा कोंग
बाकरा नाम गलत, पार्वती पर्वतीय ना करके इसको पार्वती करें, नाम इसका है पर्वती गलत दिखा इसमें, पार्वती तथा कोंग ये परियोजनाएं हैं बच्चों। भाखड़ा नांगल परियोजना आपने सुना होगा, कोंग परियोजना भी सुना होगा, पार्वती परियोजना, ये सब किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए हिमाचल प्रदेश। अगला है दुलहस्ती तथा किशनगंगा, दुलहस्ती तथा किशनगंगा ये किस राज्य में परियोजना है कोई बता पाएगा? J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लिखिए दुलहस्ती तथा किशनगंगा, ब्रैकेट लिखिए जम्मू एंड कश्मीर। आगे टिहरी जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के टिहरी ब्रैकेट लिख दीजिए उत्तराखंड आदि स्थित है। ये सब चीजें हैं। अब आइए इतनी पॉइंट्स मुझे लगता है बहुत पर्याप्त हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। नेक्स्ट शीट करिए उत्तर के विशाल मैदान। देखो जो लोग पहले आए होंगे तब वो लोग समझ लो ये पूरी भारत की जो हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं भारत में कैसी स्थिति है, पूरे भारत में क्या स्थिति है। भारत में आप देखेंगे ये आपका मार्कर पूछेंगे थोड़ा समझिएगा ऐसे, ये ऊपर का जो हिस्सा है क्या है? नेपाल से ऊपर वाला नेपाल का हिस्सा है, ये सब क्या पर्वत वाले हिस्से हैं। हिमालय की ओर देखेंगे तीन सीटियाँ मूल रूप से आप जानते होंगे, ऐसे हैं चार सीटें। एक तो हिमालय पार हिमालय कहा जाता है जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं वो है, फिर बृहद हिमालय है, फिर इसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कहते हैं, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय के बारे में चर्चा करें तो एक क्षेत्र हिमालय का भारत में मिलेगा आपको, भारत में पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, फिर इसके बाद भारत में मैदानी क्षेत्र मिलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से लेकर के आप आगे दिल्ली चले जाएंगे, थोड़ा सा उसमें पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा राजसमंद जिसके बारे में मैंने बात की थी, अरावली पर्वत का जो विस्तार है उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पंजाब की तरफ जैसे जाएंगे तो इसे मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर आपने बड़े बड़े मतलब जो है प्लॉट लिखे हुए खेतों के जहाँ लहराते हैं फसलें दिखती है तो ये पूर्ण रूप से यही क्षेत्र होते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो आपका पठारी क्षेत्र आ जाता है। पठारी पठार की जो शुरुआत होती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से शुरू हो जाती है, इधर आपका मालवा का पठारी क्षेत्र मिल जाएगा, फिर इस पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसके बाद सतपुड़ा मिलेगी, इसके बाद ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो एक्चुअल में किसके हैं? ये पठारी क्षेत्रों में है, ये दक्षिण का पूरा क्षेत्र पठारी है, तो तीन हिस्सों में बंटा हुआ है, ये पर्वतीय हो गया, बीच का हिस्सा मैदानी हो गया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ लिया, अब हम लोग मैदानी क्षेत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान मैदानी भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग नवीनतम भूखंड है। मैदानी भाग नवीनतम भूखंड है, नवीनतम भूखंड का क्या मतलब होगा भाई? नवीनतम भूखंड का क्या मतलब हुआ? नवीनतम का मतलब ये हुआ कि काल क्रम में जैसे अगर देखा जाए इनका बनी सारी चट्टानें यानी कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो कब कौन बना, कौन किस काल में बना, तो सबसे प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्राचीन के पठारी क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मैदानी मैदानों का निर्माण बाद में होता है, सबसे बाद में होगा, पर्वत जब बनेंगे तो पर्वत की जो कटान होगी है ना, पर्वत की कटान होगी वही सब बह करके मिट्टियाँ आकर उस कल को ऊँचा कर, जैसे बंगाल में जब कभी आप जाएंगे और डेल्टाई क्षेत्र में जाएंगे तो ये बहुत आदिकाल की नहीं है कि कई सौ वर्षों पुरानी है, 200-400 हज़ार वर्ष पुरानी नहीं है, वो समथिंग 400-500-700 वर्ष पुरानी आपको मिलेगी और बिल्कुल अभी नई नई मुद्दा के रूप में पहले वो दलदली क्षेत्र थे या जो भी क्षेत्र हो परिवर्तित हो जाते हैं मैदानी क्षेत्र के रूप में। ठीक है, जैसे माधुरी वगैरह द्वीप के बारे में मैंने लास्ट में चर्चा की थी तो वो बहुत पुराना नहीं है, वो सब आधुनिक, वो मिट्टियाँ उतनी मजबूत नहीं है, वो जरूर मिट्टा से बनी हुई है। ठीक है, तो यह भी आपका मैदानी क्षेत्र भी सबसे आधुनिक है, तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो सबसे आधुनिक। क्लियर, चलो नवीनतम भूखंड है यही मतलब इसका हुआ, जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। तो क्रम बताओ बेटा, अगर मैंने भी क्रम पूछा आपसे, क्रम बताओ, आप बताओ क्रम,
क्या बनेगा, सबसे प्राचीन से लेकर सबसे आधुनिक कौन होगा इन तीनों में? हाँ, तो सबसे बाद का हिस्सा ये बनेगा, है ना। तो पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछेगा कि निम्न में से सबसे आधुनिक कौन सी चट्टान है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैदान अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो मैदानी क्षेत्र देंगे, या उत्तर का विशाल मैदान दे रहा है तो मैदान देंगे, पर्वतीय क्षेत्र उससे प्राचीन हो जाएंगे, यानी दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत हैं वो बहुत प्राचीन पठार पर जो पर्वत है। अब दक्षिण का देखते हैं ना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी वगैरह नाम सुने हैं ना, ये सब प्राचीन है हमारे हिमालय से। हिमालय हमारा सबसे आधुनिक है, और हिमालय के बाद का क्षेत्र हम लोग जिन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं ये क्षेत्र उससे भी आधुनिक है, है ना। प्राचीन तब जाएंगे तो पठारी क्षेत्र, पठार के बाद में हमारा, और पठार पे जो पर्वत है वो भी प्राचीन है, और उसके बाद में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ आती हैं, और उसके बाद में मैदानी क्षेत्र का हमारा आता है। इसका निर्माण आगे बच्चों उसी में आगे ही कंटिन्यू करिए, जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है, फिर इसके बाद इसका निर्माण क्वार्टनरी या नियोजोइक, क्वार्टनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है, तैथिस भूसन्नति के निरंतर, तैथिस भूसन्नति के निरंतर सकरे व छिछले होने योग हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा, हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है, निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोड़ बांगर सीमेंट का नाम सुने हो गया आप। बांगर सीमेंट जो बताता है इसका मतलब हुआ कि बहुत मजबूत सॉलिड मिट्टी, मतलब सॉलिड बांगर मतलब ठोस का मतलब होता है, मजबूती इसके सेंस में होता है ना। तो बांगर भी बताए हैं, देखिए होता क्या है कि जब पहले आज जो नदियों का स्वरूप दिख रहा है वो वर्तमान समय का स्वरूप है, पहले नदियों का स्वरूप इस रूप में नहीं रहा होगा या नहीं था। जैसे हिमालय से जो नदियाँ बहती थी पहले बहुत ज़्यादा दूर तक का एरिया कवर करती थी, आज जो हिस्से पानी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं है किसी समय में वो भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो वो सारे क्षेत्र जो पहले बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हुआ करते थे जब नदियों का प्रभाव बहुत तेज था, जो आज नदी का घाटी का बेल्ट देखते हैं आप, कोई जरूरी है क्या कि आदिकाल में भी कोई नदी का बेल्ट रहा हो? नहीं रहा होगा ना। तो वो जो पूरा क्षेत्र है नदी का, जैसे मान लो ये पूरा मैदानी क्षेत्र आपका है और वर्तमान समय में नदी का जो व्यास क्षेत्र है इसके लगभग आधे क्षेत्र में है, ठीक है। तो आधे क्षेत्र में जो नदी का व्यास क्षेत्र ये जा रहा है आपके मन के आधार पर समझिए, तो ये तो नई नवीन जलोड़ है। ये जो होता क्या है, जैसे नदी मूल रूप से ये इतने दूरी में नदी का बहाव चल रहा है, ठीक है। बारिश के समय में जब वर्षा ऋतु आती है तो नदी का बहाव इतना एरिया कवर करता है, लेकिन किसी समय में
और ज़्यादा एरिया कवर करता रहा होगा ना, तो उस समय की बात है जब नदी वो पूरा हिस्सा जलमग्न होता था। लेकिन वर्तमान समय में बहुत कई सौ वर्षों से वो क्षेत्र अब जलमग्न न होकर के वो क्षेत्र खाली क्षेत्र रहता है, यानी पूरी तरह से पथरीला क्षेत्र हो गया। आप हमने देखा होगा कि मिट्टियाँ ऐसी जगह मिलेंगी जिनमें चूना पत्थर इतने बड़ी कंकड़ जैसा मिलता है, मिट्टी की खुदाई होती है तो कंकड़ीली मिट्टियाँ मिलती हैं। वे क्षेत्र जो है बांगर क्षेत्र है, ठीक है। खादर क्षेत्र में आप खुदाई करेंगे तो कंकड़ आपको नहीं मिलेगा, आपको आदि कहीं मिल गया तो एक अलग ऑप्शनल है। बाकी वो चूने पत्थर की जो चूना पत्थर होता गया है वो जम जाता है, वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, वो कंकड़ के रूप में होता है। तो कहीं ऐसी जगह पर आप खुदाई देखेंगे तो वहाँ कंकड़ के निकलेंगे, मिट्टी के साथ कंकड़ निकल जाएंगे। वो कंकड़ आपके पत्थर वाले नहीं होते, वो चूना पत्थर के होते हैं, वही बांगर वाले क्षेत्र होते हैं। समझ लीजिएगा कि वो कभी पानी में रहे हैं, अभी नहीं है। जैसे आप लोगों की जो आवास है वो आवास कभी वो बांगर क्षेत्र के आवास में ही आपके आवास बनते हैं, खादर के क्षेत्र में नहीं बनेंगे आपके आवास मोस्टली, क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। खादर का क्षेत्र का मतलब वही हो गया कि जहाँ बरसात ऋतु में पानी पहुँच जाता है। बहुत सारे गाँव में आप देखिए डूब जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र डूब जाते हैं ना, तो वो तो उसके पीछे का कारण है, पहले पानी कहीं निकल जाता था, पानी नहीं निकल पाता तो डूबते हैं, वो दूसरा कारक है। लेकिन मूल रूप से आप जानिए कि जैसे पानी का सामान्य तौर से जहाँ तक फैलाव होता है और जहाँ तक पानी में वो क्षेत्र डूबा रहता है, अब चाहे वो कुछ दिनों तक हो या कुछ महीनों तक हो, एक अलग बात है, ठीक है। तो जो डूबा क्षेत्र होता है वो खादर क्षेत्र है, ठीक है, रेडीमेड का। और जो छूटा हुआ है जो पहले डूबा रहता था वो बांगर क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी पथरीली होगी, मजबूत होगी, उसमें उत्पादन नहीं होगा, यानी कृषि नहीं करने लायक रहती है, ठीक है, या कृषि करने में उसको सिंचाई की बड़ी जरूरत पड़ती है, वो बहुत उपयोगी नहीं होता। मूल रूप से जो उत्पादन हमारा होता है वो खादर वाले क्षेत्र जहाँ पर पानी एक तरह से पहुँच जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये क्षेत्र बांगर वाला होगा, उसके बाद खादर का क्षेत्र हो गया, यानी कि इसी नाते यहाँ की मृदा को जानते क्या जलोढ़ मृदा कहते हैं या पीट मृदा के नाम से जानते हैं, जल से ओढ़ी हुई मृदा जलोढ़ मृदा, ठीक है। और ये बांगर मृदा जो है ये जलोढ़ मृदा पुरानी जलोढ़, इसी नाते इसको नाते पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जो बांगर है इसे आप क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ यानी पहले जल में ओढ़ी रहती थी, अभी नहीं, क्लियर। तो पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ समझ गए। चलो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज करता है, जो बच्चे नहीं समझते हैं देख कर करता है। आगे बढ़ते बेटा, इसे पुरानी जलोढ़ बांगर यो नई जलोढ़ खादर कहते हैं। नई जलोढ़ खादर कहते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के तब जाने से इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं, यानी कि मतलब ये है पेट्रोलियम वगैरह कैसे बनता है सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि किसी समय में जो आज के जो वन क्षेत्र दिखाई देते हैं आपके, है ना, भूगर्भिक गतिविधियाँ, आज जो दिन आपने कभी भी सुना होगा कि भूकंप आ गया, बहुत सारा क्षेत्र दब गया, जैसे भी नेपाल में जो भी पहले आपका भूकंप आया था, तो क्या होते हैं वो क्षेत्र दब जाते हैं, जमीन के अंदर भूस्खलन हो जाता है, बड़े पैमाने पर बड़े हिस्से दब जाते हैं, कहीं टूट जाता है ऐसा, कहीं कुछ हिस्सा दब जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों के वे क्षेत्र जो भविष्य में जंगली क्षेत्र हुआ करते थे, निबल क्षेत्र, वो भूगर्भिक अंचलों के कारण से भूकंप वगैरह कारण से दब गए थे। वही क्या हो गया, उनमें दबाव और प्रेशर के कारण से वो वनस्पतियाँ सड़ गई और जीव वनस्पतियों जो जंगलों में भी बहुत सारे वनस्पतियाँ होती हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, तो उनके कई वर्षों तक दबाव के कारण से
है ना, प्रेशर के कारण से उस पर उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। आज जो कोयला कलाई होती है, कोयला वो बनों से लकड़ियों से बनता है, ठीक है, तो कोयले मिले। और उन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे तो पेट्रोलियम के क्षेत्र भी आप लोगों ने देखे होंगे, पेट्रोलियम वहीं से जहाँ कोयला मिलता है उसके आस पास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पेट्रोलियम भी निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस वहीं से निकाला जाता है, ठीक है। तो यही जो क्षेत्र हमारा है, धसेगा कौन सा क्षेत्र है, पर्वत तो धसता नहीं है, धसेगा कौन सा क्षेत्र, पठारी क्षेत्र भी नहीं धसता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, एक बड़ा हिस्सा धस जाएगा उठ जाएगा, तो उसके धसने उठने से प्राकृतिक गैसें नहीं बनेंगी, क्योंकि वहाँ वनस्पतियाँ होंगी, यानी पत्थर में कहाँ वनस्पतियाँ होंगी, वनस्पतियाँ होंगी तो मैदानी क्षेत्रों में होंगी ना, जहाँ जहाँ पर वृक्ष उठने की कैपेसिटी हो। तो ये क्षेत्र मतलब आपका, इसी नाते आप देखते हैं छोटा नागपुर पठार आप देखते हैं ना, छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वो कोयला पठार क्षेत्र है, आप जिसमें देखेंगे वो सब वही हिस्से हैं जो कभी भूगर्भीय जलों के कारण से दब गए हैं, और वहाँ से बड़े पैमाने पर कोयला क्षेत्र निकाला जाता है, कोयला वगैरह, ठीक है। ये चीज़ इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ चित्र के लिखिए, मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है। मैदानी भाग हमारे बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है। क्योंकि इसकी उपजाऊ जरूरतता में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। देखिए तीन क्षेत्रों में सबसे आधुनिक क्षेत्र है ये, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये खनिज में भी संपन्नता लिए हुए हैं, खनिज का मतलब कोयला पेट्रोलियम की बात हो रही है, इसके अलावा जीवन का मेन आधार यहीं से सृजित होता है, क्योंकि यहीं के किसान सबसे बड़े पैमाने पर हर तरह की फसल, चाहे दाल हो जाए, है ना, दाल से लेकर के खाद्यान्न, मूल रूप से जो खाद्यान्न गेहूँ चावल इन्हीं क्षेत्रों में ही उत्पादित होता है। बंगाल वगैरह के बारे में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में देखेंगे, तो मूल रूप से यही सब है, पंजाब चले जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो गेहूँ और धान के उत्पादन में यही सब उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र ही महत्व है। कोस्टल एरिया में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आपका हो गया धान के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन करते हैं। और गेहूँ के उत्पादन में अगर देखेंगे तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब वगैरह के क्षेत्र होता है, हालांकि यहाँ चावल का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके क्षेत्र है खाद्यान्न संपन्न क्षेत्र है। अगर ये बीच वाले क्षेत्र में ये मैदानी क्षेत्र ही न होते तो आज हमारे यहाँ परस्पर खाद्यान्न की एक अलग चुनौती होती है, एक अलग तरह से हमारे जीवन यापन का तरीका, हमारे खान पान का तरीका एक अलग तरीके से होता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, अब ये टैंक भोजन नहीं मिलता तो पागल हो जाते हैं कुछ लोग, देखिए जो फास्ट वगैरह गलती से रह जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अगले दिन पागलों की तरह हो जाते हैं, है ना, पागलों की तरह दहाड़ के खाते हैं, लड़कों को देख लीजिए किसी दिन वो लोग फास्ट फास्ट रह जाए किसी तरह से, जैसे कोई फेस्टिवल होता होगा कुछ लोग रहते हो कि अगर आपको नहीं देते तो कोई आपके जाते वाले रहते हैं, आप देखिए अगले दिन अगर 10 मिनट भी भोजन लेट हो जाता है तो क्रांति आने वाली होती है, ऐसा माहौल बना होता है, और आने के बाद में थाली में कुछ भी बचता नहीं है। मेरा कहने का आशय यह है कि अगर खाद्यान्न ही ना हो तब क्या हो, यही सबकी हालत होती है, और पुरुष थोड़ा चिल्ला के कह देता है, महिला इतना चिल्लाए कहती है, है ना, बच्चों की थोड़ी कैपेसिटी होती है, लेकिन भोजन खाद्यान्न के लिए यही जो बीच बीच का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उत्पादन यही चीज़ें करती है, बाकी पहाड़ है, पर्वत है, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। आप देखिए विदर्भ, आपने सुना होगा विदर्भ वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है, आपने नागपुर वगैरह का नाम सुना होगा, नागपुर से लेकर के 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमेशा वहाँ के किसान अक्सर फिल्मों में दिखाता है, टीवी में आपको दिखाता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो पत्थर पड़ता है पृष्ठ छाया प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी घाट जो हमारा है पश्चिमी घाट के पास वाला क्षेत्र होता है, और हमेशा खासियत ये होती है कि वर्षा तीन तरीके से होती है, जो पर्वतीय वर्षा होती है, सम्मानीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, तीन तरह की वर्षा होती है। अब आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पश्चिमी घाट की तरह जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है, आता है हवाएं आती हैं समुद्र से, नमी लिए रहती है, क्योंकि समुद्र से अभी आप देखिए कोई पानी को अगर गर्म करिए तो वाष्प ऊपर आ जाता है प्लेट पर, उसी तरह समुद्री क्षेत्र जो भारत के दक्षिण पे समुद्र है
ये जब उस पर सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है तो वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के कारण से ये जल को भी अपने साथ खींच ले जाता है। ठीक, तो जल को जब खींच ले जाता है, और ये हिस्सा आपने देखा पठारी क्षेत्र, जब सूर्य आप देखते हैं मार्च आपका महीना आ गया, 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मतलब 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होते हैं, उत्तर की तरफ मुड़ने लगते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में कब प्रवेश करते हैं, 21 मार्च को वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे, सॉरी 25 मार्च को करते हैं, 21 मार्च को तो इस पर 21 जून को तो कर्क रेखा को चित्रित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये यहाँ पर जो 25 मार्च को जो तो प्रवेश करने लगते हैं उत्तरी गोलार्ध में, धीरे धीरे यह हिस्सा गर्म होने लगता है। कौन सा? ये पठारी हिस्सा, मतलब गर्म होने लगता है। और जब गर्म होने लगता है तो ये हिस्सा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब 21 जून आते हैं, जून के महीने आते आते ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट हो जाने पर क्या होता है कि वहाँ के जो वायु है वो हल्की होकर के ऊपर हो जाते हैं, किसी भी कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दीजिए तो उस कमरे में आप घुटन होने लगेंगे आप, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन गर्म होकर के जो भी हवा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन गर्म होकर के ऊपर हो जाए, और ऊपर हो जाने के नाते फिर वो रोशनदान वगैरह के रास्ते चले जाएंगे, ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाए, मूलभूत जो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो घट जाए। इन क्षेत्रों में क्या होता है, टाइटिसमिक का क्षेत्र बनता है, तो वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो ऊपर जब उठ जाएंगी, ऊपर उठने का मतलब पूरा उड़ नहीं जाती है, कुछ मीटर तक ऊपर उठ जाती है, तो जब ऊपर तक हल्की हो जाएगी जो हवाओं का दबाव है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो हल्की हो जाती है, उठ जाती है, दबाव कम हो जाता है, तो जो दबाव कम होता है तो दबाव कम होगा तो यहाँ के अगर कहीं और विस्थापित होती है, तो ये जब उड़कर इधर जाने लगती है ऊपर की तरफ, इसी जगह को भरने के लिए यहाँ के हवाएँ यहाँ से तेजी से भाग के आती हैं, और जब भाग के आती हैं तो रास्ते पड़ जाता है ये हिमालय आपका पश्चिमी घाट पर्वत, तो इससे टकराती हैं और यह पानी के ऊपर जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद पूरा समुद्रीय दर्शन है, ये आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है अपना, इसी जाते एक जून को यहाँ आ जाता है, 15 जून तक आगे बढ़ते 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 ऐसे क्षेत्रों में जो है आपकी पूरी जो मानसून है वो पूरी तरह से प्रवेश करके पूरा खूब वर्षा कराता है। लेकिन वही वर्ग में हवाएं पश्चिमी घाट वाले हिस्से को खूब पानी बरसात के लगभग 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कराती हैं, वहीं उसके पार का हिमालय पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके पार का हिस्सा पर्वत नहीं है लेकिन यह जो दरार है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप पश्चिमी घाट पर्वत ही समझिए, अलग वो पर्वत नहीं है, वो एक दरार है, क्योंकि मेडागास्कर वाला जो हिस्सा था वो टूट करके निकला हुआ है, तो दबाव से उठा हुआ है हिस्सा। ठीक है, लेकिन आप पर्वत ही समझिए नहीं, तो ये हिस्सा जो है पर्वत का इसके पश्चिम वाला हिस्सा, इसके बाद वाला हिस्सा है, इधर का हिस्सा जो पड़ता है पूरब का, यह हिस्सा हवाएं लगाती हैं, तो जैसे हवा आई अब यहाँ से हवा आएगी तो टकराएगी, इधर पानी बरसाएगी, तो ये हिस्सा जो आपका टेबल के पार का है वह छूटा रह जाता है, जो हवाएं ऊपर चली जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं तो पानी नहीं बरसा पाती है, तो वह हिस्सा क्या होगा, विदर्भ का हिस्सा जो महाराष्ट्र की जो पहाड़ी पश्चिमी घाट पहाड़ी की बात का हिस्सा पड़ता है, इस नाते वो सूखा ग्रस्त हिस्सा होता है। हमेशा पहाड़ी का एक ढाल वर्षा प्राप्त करेगा, पहाड़ी का दूसरा ढाल वर्षा प्राप्त नहीं करेगा। जैसे हिमालय की प्रकृति में देखेंगे तो हिमालय का पूर्वी ढाल जो है इधर मतलब इधर का ढाल है, यानी उत्तरी ढाल आप कहेंगे, दक्षिण का ढाल कहेंगे, दक्षिण का ढाल यानी कि शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और ठीक है बृहद हिमालय, ये शिवालिक हिमालय वर्षा पाएगा, हवाएं जाएंगे तो कुछ बूंदाबांदी होगी, आबादी बरसेगा चाहे वो हिमपात के रूप में, लेकिन उसके पीछे का हिमालय के हिस्से में जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वो पश्चिम प्रदेश पड़ जाएगा, और चूंकि हिमालय इतना ऊंचा है हवाएं क्या होती है ऐसे मुड़ जाती है, हिमालय से ऐसे मुड़ जाती है टकरा कर, वो उतना ऊपर चढ़ती ही नहीं, और ऊपर जैसे चढ़ती है तो हिमपात के रूप में सारा पानी वहीं गिर जाता है, वहाँ पर क्या होता है जितने हिमालय क्षेत्र हैं, जैसे अगर ऐसा देखेंगे जब घूमने जाएंगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की जगहों पर जब जाएंगे आप लोग नौकरी वाले के बाद या ट्रेनिंग में जाएंगे मसूरी वगैरह, तो उन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे आपका शिमला वगैरह का जो क्षेत्र मिलेगा, शिमला वगैरह क्षेत्रों में वहाँ बर्फबारी होती है, तो लोग यही देखने जाते हैं, वहीं मानसून क्या करता है, जैसे मानसून आएगा तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका कम रहता है वहाँ का कि पानी तो वहाँ बरसता तो पानी है लेकिन टेम्परेचर कम होने के नाते बर्फ बन जाता है, बात वहाँ कुछ नहीं है पानी यही वाला वहाँ भी बरसता है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण से क्या हो जाता है
बर्फीला होता है, हिमपात होता है वहाँ पर, बर्फानी इसे कहते हैं। अच्छा टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, पानी ऐसे निकल फेंकते हैं और बर्फ पर जम जाता है, कभी देखा है इस तरह से? नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग देखे होंगे इसमें से कि पानी किसी होकर टेम्परेचर जो है माइनस में है, वहाँ पर कोई भी चीज़ वहाँ पानी की, अब सियाचिन में आप समझ लीजिए, सियाचिन में जो सैनिक हमारे रहते हैं वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, जैसे 40 डिग्री तक माइनस में चला जाता है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ नहीं, उसके बहुत नीचे के हिस्सों में पानी के लिए लोगों को गर्म करना पड़ता है, पानी मतलब स्टोव चला करके बर्फ़ को ले आते हैं, ताजी बर्फ़ को उसको ले करके गैस जो भी मसाला हो उससे गर्म करते हैं तब पानी पीने को मिलता है, इसमें टेम्परेचर इतना कम है कि पानी हमेशा जो बर्फ़ बन जाए। अच्छा देखते हैं झीलें नदियाँ ठंड शीत ऋतु में क्या होती है, जम जाती है, डल झील वगैरह के बारे में आपने देखा होगा ना कि मोटी मोटी नहीं होती है, झील जम गई तो पानी नहीं है, बर्फ उसमें बर्फीली हो जाती है, बर्फ जम जाता है, सोचो इमेजिनेशन करो, बहुत एक काल्पनिक वाली दुनिया ऐसी भी है कि सब बर्फ वाली दुनिया है, यूरोप की बहुत सारे ऐसे कंट्री, यूरोप पूरा ठंडे क्षेत्रों में ही है, वहाँ पर तो झीलों पर लोग टहलते घूमते हैं, दौड़ते भागते हैं, उस पर दौड़ लगाए, दौड़ भी तमाम ज़्यादा स्टैंडिंग वगैरह करते हैं, कुछ गड्ढों में देखे गिर भी जाते हैं लोग, कहीं कहीं बर्फ कम जमी होती है, कमजोर बर्फ होती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी बर्फ वगैरह जम जाती है। चलिए आगे, मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जो रोड मृदा में विभिन्न तरह की फसल उपजाए फसल उपजाए जा सकते हैं, इससे हमारे जनसंख्या व पशुओं को आहार प्राप्त होता है और पशुओं को आहार प्राप्त होता है, साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त हो पाता है, नदियों का क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई नहरी परिवहन कार्य किया जा सके, परिवहन कार्य किया जा सके इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है,
औषधीय भूगर्भिक संरचना के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित संचित भंडार हैं, संभावित संचित भंडार हैं, भूमि के प्राय समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है, ये तो आपकी बात हो गई मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, कनेक्ट करें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये आप लोग मुझे बोल दीजिएगा कि इसमें ये वगैरह डला दीजिएगा, ठीक है, तो समझाने में दिक्कत होती है। आगे चलिए लिखिए इसमें बेटा, प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ, यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतया नहीं डूबा, और इस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अवस्था में पहुंचकर
आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, पहुंच चुकी हैं। गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब 20वां सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। इस भाग के अधिकांश पर्वत तथा श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत की अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों को निम्नलिखित क्रम मिलते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। क्रम इसलिए नंबर एक है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्रम पहले लिख लीजिए फिर एक एक की डिटेल करते हैं। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है विंध्याचल क्रम की चट्टानें, और अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और छठा है दक्कन ट्रैक। तो ये जो अभी आपने लिखा, छह प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार के जो क्षेत्र है, ये छह प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। दक्कन का पठारी क्षेत्र, दक्कन का जो आप देख रहे हैं पठार, वो क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, एक एक का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये छह आपको मालूम होना चाहिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन है, दक्कन के क्रम की चट्टानें कौन है, है ना। चलिए आइए डिटेल करते हैं इसकी। पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनसे इसकी डिटेल करिए। आर्कियन क्रम की चट्टानें तीन दिशाएं हो गई है, उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया
मिला हो उसे क्या कहते हैं ट्रायल, ठीक है। तो प्राइमरी किसी ना किसी को प्राइमरी बनाता है। ऐसे हर जगह कोई भी क्षेत्र हो किसी का, अगर वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, अब पालो चौकोर हो जाए भारत ऐसे हो जाए तभी प्राइमरी कहना था कि इधर से हो जाए तभी प्राइमरी कहना। कोई जरूरी नहीं कि टोकी का हिस्सा ही बस उसके तीन तरफ से जल एक एक किसी दिशा से वस्त्र से जुड़ा हो वो प्राइमरी क्लियर। तो किस नाम से इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा पता था ना आप लोग को। चलिए आर्कटिक क्रम की चट्टानों में लिखिए रुका डिटेल करिए। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम अर्थात मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी हैं। इसका मतलब हुआ मनुष्य जब पैदा नहीं हुआ था या मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से चट्टानें हैं, है ना। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। हो चुकी है। इस भाग के अधिकांश पर्वत श्रेणियां अधिक पुरानी है। यहाँ से मुझे करेक्शन कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सही कर लीजिए। मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी हैं। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को खो चुकी हैं। सेंटेंस ऐसे करें, ठीक है। रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को खो चुकी हैं। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो जो किन चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता पाई जाएगी, किस तरह की चट्टानों में, तीनों क्षेत्रों में अगर बात करें, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, मैदान के क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में बताएं, तो तीनों में से किस क्षेत्र में पाई जाएगी? मैदानी क्षेत्र में पाएंगे ना जी। जब तुझा भी मिलेंगे उन चट्टानों में दबे रहेंगे, दलदल आएगा, भूकंप पाएगा, दब जाएंगे। लेकिन पत्थर में क्या मिलेगा और पत्थर कैसे निकला हुआ है? पृथ्वी पहले आग के गोले के जैसे थी, तब तो लावे की तरह एकदम बजबजाता हुआ, एकदम जैसे उबलता हुआ। आपने कभी आयरन वगैरह बनता हुआ देखा होगा ना, जब लोहे के फैक्ट्री में देखेंगे तो लोहा उसमें गर्म होता है, एकदम लिक्विड रूप में पहुँचता है। ऐसे पृथ्वी रहेगी तो उसमें कोई जीव रहने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये उसी लावा से निर्मित चट्टाने हैं, प्रायद्वीपीय पठार लावा निर्मित चट्टान, ठीक है। और कौन सा लावा? ज्वालामुखी लावा, वोल्केनो से है, वोल्केनो से निर्मित, वोल्केनो की एक तरह से मटेरियल से निर्मित है, ठीक है। जो मैग्मा उसका आता है, मैग्मे से निर्मित, ठीक है। तो मैग्मे से निर्मित ये चट्टाने हैं, तो इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे सब, चलिए इसमें तो ये देखिए, जीवाश्म का अभाव रहता है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है।
ये 30 ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की हैं। चलिए फिर थोड़ी क्लियर होगी आवाज। ये लीस ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की चट्टानों से निर्मित हैं या बनी हैं या हैं। इनका विस्तार कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार मतलब क्या हो गया? झारखंड। ठीक है, ब्रैकेट अर्थात झारखंड लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो झारखंड। छोटा नागपुर पठार लिख रहे हो या इसके पहले आपको क्षेत्रों के बारे में थे ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का मतलब झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार किन किन स्टेट में पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है। तो आप जरा मैप में समझने की कोशिश करिएगा, कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी मिलता है, तो नीचे के दोनों क्षेत्र हो गए आपके। साथ ही में उसके ऊपर तमिलनाडु के ऊपर आप देखेंगे कौन सा स्टेट पड़ता है, आंध्र प्रदेश। आंध्रा भी आपका इस क्षेत्र में है, कर्नाटक के बारे में आपने जिक्र कर लिया। उसके ऊपर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बगल में छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। इन टोटल क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी विस्तार है। ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, मालवा का पठार नाम सुना होगा आपको। मालवा का पठार यही क्षेत्रों में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में मिलता है। इन क्षेत्रों में पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, चाहे कृषि कार्य के लिए चाहे पीने के लिए। महाराष्ट्र वगैरह में क्या है, सौसेट द्वीप पर स्थित है वो क्षेत्र, वहाँ पर चट्टाने हैं। तो चट्टान में कितने भी आप गहराई तक करेंगे, जब वो कई किलोमीटर मोटी खुद चट्टान है पथरीली, तो ड्रिल करके पानी वहाँ निकालना संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ ड्रिल भी करेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, जब मिट्टी वाले क्षेत्र मिलेंगे तभी पानी मिलेगा। पानी मिलता कहाँ है, पानी जहाँ मिलता है क्षेत्रों में, जो जहाँ पानी होगा वहाँ तो मिलेगा। जब किसी तल के नीचे पानी ही नहीं होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो मैदानी क्षेत्र जो आपके बीच वाले क्षेत्र है, यही पानी मिलता है। पानी क्यों मिलता है यहाँ पर, चूँकि ये परत दर परत, पहले कभी बालू की परत, मिट्टी की परत, कंक्रीट की परत, बालू की परत, मिट्टी की परत, कंक्रीट की परत, ऐसे ऐसे बने, ये लेयर में बने हुए। आप पानी की जब ड्रिल करते हैं, नल वगैरह जब पानी निकालने के लिए होता है, तो उसमें वो जो मैकेनिक होता है वो बताता है कि यहाँ पानी शुद्ध नहीं आएगा, पानी कम देगा, ये एग्जैक्टली नहीं पहुँच पाया है। तो वो अपने एक सेट करता है। आपने कहा कि हमको 60 फीट के नीचे से पानी चाहिए, तो 60 के बाद तो आपने कहा उसमें अच्छा पानी नहीं आ रहा। आपने कहा कि भाई और 5 फीट और कर दो, तो 5 फीट में पानी नहीं मिलेगा। फिर उसकी जो नेक्स्ट लेयर मिलेगी वो हो सकता है 10 फीट की गहराई पे अगले मिले, या 20 में मिले, 15 पे मिले, 18 में मिले, 25 में भी मिल सकती है। जहाँ जैसी चट्टानें होंगी उस हिसाब से वहाँ पर वो जो आपका पानी का जो स्रोत निकालने का होता है जाली वहाँ से निकल जाता है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया पानी के लिए। और मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से, अगर आप मुंबई वगैरह गए होंगे उसमें तो देखेंगे रास्ते में आपको बड़े बड़े मोटी पाइपें मिलेंगी जो वहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती है। आपको लगेगा कि ये लोग पागल लोग हैं कि पाइपें वहाँ से ले जा रहे हैं पानी के लिए, वो ड्रिल करके निकाल लें वहाँ से, तो ड्रिल होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सब जब चट्टान है, लावे से निर्मित है, मैग्मे से बनी हुई चट्टानें हैं, तो ड्रिल करने के बाद नीचे पानी ही नहीं है। भाई पानी तो तब आएगा जब पानी उसके नीचे जाएगा, तो पत्थर पानी सूखता ही नहीं, सूखेगा नहीं तो निकलेगा कहाँ से, सब तो पत्थर ही पत्थर है। तो ये समस्या वहाँ पर आ जाती है, इस कारण से वहाँ पर पानी को एक्सपोर्ट किया जाता है। मुंबई वगैरह पानी की दिक्कत है, हर मेट्रो सिटी में आप देखेंगे पानी की दिक्कतें आपको मिलेंगी। लखनऊ तक के आप शहरों में चले जाएंगे पानी की दिक्कतें होंगी।
वहाँ क्यों दिक्कतें होती हैं? आपने सोचा होगा कि लखनऊ में सर क्या प्रॉब्लम आ गई, लखनऊ में प्रॉब्लम ही आ जा रही है या कानपुर जैसे शहरों में प्रॉब्लम ही आ जा रही है, जबकि गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में वहाँ पानी की प्रॉब्लम ही है। हर शहरी क्षेत्र आप देखेंगे तो सब सीमेंटेड हो जा रहे हैं, सब RCC की कई सड़कें बन जा रही हैं, कई मकान बन जा रहे हैं, ओपन स्पेस एरिया मिट्टी वाला हिस्सा बची नहीं रह गया। इवन नाली बारिश का जो पानी होता है सबके छतों से होते हुए उनके घरों के पोर्च से होते हुए उनके दरवाजे के पर्स से होते हुए नालियों के माध्यम से बड़े नालों के माध्यम से नदियों में प्रवाहित हो जाता है, कहीं पानी सूखने की जगह ही नहीं। तो जब आपको कहीं मिट्टी वाली जगह ही नहीं मिलेगी तो पानी अवशोषित होगा नहीं, तो पानी निकलेगा कहाँ से? पानी कहीं से निकलता नहीं धरातल से, मतलब दलदली क्षेत्रों को छोड़ करके, तराई बेल्टों को छोड़ करके कहीं पानी निकलता नहीं जमीन से। पानी यदि अवशोषित होता है, इसी तरह सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, वो क्या कहते हैं कि घरों में अक्सर बोलते हैं सूखता बनाइए पानी का, जिससे जमीन में पानी जाए, और पानी जाएगा तो ये हमारी मिट्टी जो है छन्नी का काम करती है, कई सारी लेयर जो होती है इसमें से पानी जब जाता है अंदर मिट्टी के अंदर तो छन करके जाता है, जैसे हम चाय की पत्ती चाय जब छानते हैं तो सारी उसमें हमारे मिनरल्स जो है वो नीचे चले जाते हैं, जो भी लिक्विड होता है बाकी सॉलिड चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। उसी तरह से वर्षा का पानी जब धरातल में हमारे जो मिट्टी वाले क्षेत्रों में जाता है तो सोखता है, तो फिल्टर करते हुए सोखता जाता है पानी, इस तरह से नीचे गया हुआ पानी अगर आप थर्ड लेयर से पानी ले रहे हैं, स्टेटा से थर्ड स्टेटा फोर स्टेटा से पानी ले रहे हैं, बड़ा शुद्ध पानी होगा, वो आरओ की तरह फिल्टर होता जाता है, कभी उसको बालू छानेगा, कभी उसको मिट्टी छानेगी, कभी उसको कंक्रीट छानेगी, इस तरह से फिल्टर होता जाता है। आरओ भी उसी टेक्निक का काम करता है, आप देखेंगे वहाँ पर कोयले की राड लगी होती है, कोयले से पानी जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर के तमाम सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पता होगा। तो इसी तरह से पानी वहाँ पर जाता है, तो मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है, पानी नीचे धरातल पे पूरा शहर ही शहर आप देखेंगे, कहीं आप वाली जगहों को छोड़ करके कहीं मिट्टी वाली जगह ही नहीं मिलेगी, पानी वहाँ सूखता ही नहीं, पानी सूखता ही नहीं। दिल्ली में यही स्थिति है, क्योंकि मतलब गंगा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर भी आपको पानी की दिक्कतें मिलेंगी। इन क्षेत्रों में दिक्कत यह है कि वहाँ पर मतलब जो है उसका सरफेस जो है मिट्टी का नहीं रहेगा, उसका जो धरातल है वो क्या हो गया, फर्श हो गया ऐसा। अब आप इतने कॉलेज कैंपस को देख लीजिए, कॉलेज कैंपस में आपको कहीं नहीं मिलेगा मिट्टी जहाँ पानी सूखने वाला है, तो पानी सूखेगा नहीं, तो कई सौ वर्षों में क्या हो जाएगा, पानी की कमी नहीं हो जाएगी, नीचे से पानी कहाँ से? तो आप दोहन कर रहे हैं, जो पानी हम लोग सूची घरों पर निकालते हैं नलों के माध्यम से वो पानी निकल रहा है, अब निकल रहा है वो फिर हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, फर्शों के माध्यम से जाकर के बह जा रहा है, ये भी मिट्टी में नहीं जा रहा है। तो कुछ दिनों बाद सरकार ऐसी, अब सरकार ने देखिए मेट्रो सिटीज में क्या है, सीवर लाइनें बिछा दी है, उसमें उन्होंने जो आपके शौचालय होते हैं आपने देखा होगा, पहले लोग घरों में गड्ढे बना करके करते थे, सरकार ने उस पर रोक लगा दी, सीवर लाइनें बिछा देता है, सीवर लाइनों के माध्यम से वो मलबा शहर का बाहर चला जाता है और विद्युत से और गैस वगैरह बना लेते हैं और कुछ चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उसको उसका बड़ा मोटिव ये है कि जो पानी का लेवल है वो भी गंदा होता चला जाता है। ये जब नीचे टैंक में पानी आप जो भरते हैं मलबा, वो क्या होता है, रिसता हुआ नीचे जाता है पानी, और रिसते क्या होता है, वहाँ के स्टेटा को जल के स्तर को गंदा कर देता है, और पूरे शहर में हर घर में इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। साथ ही सरकार जो मेट्रो सिटीज हैं उनकी योजनाएं इस तरह से ला करके उनके पानी को निकाले, मलबे के निकालने का कार्य, समझ रहे बात को, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, और इन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये बड़ी जटिलता है कि वहाँ पानी सूखता ही नहीं है, पत्थड़, और हमारे यहाँ आजकल के मैदानी क्षेत्रों में भी जो मेट्रो सिटीज हैं वो भी पत्थर ही हो गए है ना। अभी यहाँ पर जितने कैंपस का डिग्री कॉलेज का देख लीजिए, पानी क्या होगा, पानी बह जाएगा, पानी सूखेगा नहीं, तो ये भी बड़ी दिक्कत आने वाले समय में बड़ी चुनौती होने वाली है। आप लोगों के पास पैसे हैं, आज आप देखिए हर घरों में आरओ के बिना पानी नहीं पीता कोई, नॉर्मल जिसकी जरा सी भी मतलब उसको डिजर्व करने की क्षमता है वो हमेशा आरओ का ही पानी पीता है, आज की ये हालत है। और आरओ से आप देखिए लगभग गुना से ज़्यादा पानी, दो गुना तीन गुना चार गुना पानी, तो आरओ में ये आ गया है जीरो वेस्टेज, जीरो वेस्टेज जो कहता है वो 50% पानी को नुकसान करता है, वैसे 75% आरओ से पानी 80% पानी आपका बर्बाद जाता है, यानी कि 10 लीटर अगर पानी आप लीक कर रहे हैं तो आप 2 से 3 लीटर पानी आपको शुद्ध पानी मिलेगा पीने वाला, 8 लीटर वेस्टेज 7 लीटर वेस्टेज चला जाएगा। उसमें भी आधुनिक तकनीक ला रहे हैं, तो आधुनिक तकनीक
तकनीक में जो आप आर ओ लेने जाएंगे तो उसमें बताएगा वो कि 50% पानी का वेस्टेज है, तो उसे जीरो बताता है, यानी 10 लीटर पानी में 5 लीटर पानी आपका बर्बाद चला जाएगा, केवल 5 लीटर पानी आप पीने को पाएंगे। ये आलम है। इसके साथ सरकार इस पर भी रोक लगाने की प्लानिंग में है, या इस दौर में आर ओ मिलेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, रोक लगा दी जाएगी। पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, और पानी जो वेस्ट जा रहा है 5 लीटर वो पानी बह जाता है। पानी का इतना मूल्य है आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मुझे प्यास लग रही है या पानी की जरूरत नहीं, मुझे जाना पड़ेगा अपने ऑफिस में और वहाँ बोलना पड़ेगा पानी को। ये आलम है पानी की। यहाँ मेट्रो सिटी में आप कभी जब जर्नी करते होंगे तो आपके खर्चों में लगभग करीब में अगर आपने 2 दिन की जर्नी कर ली तो 100 रुपये से ज़्यादा आप पानी पर खर्च कर देते हैं। कम से कम आप एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी जाओगे, कम से कम की स्थिति है। और कहीं गर्मी का मौसम है तो 4 पानी भी पी सकते हो। अब वो अलग बात है कि आप माइजर वाला काम करते हो कि कम से कम में काम चला लें, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 लीटर अगर आपको पूरा मॉर्निंग ड्रिंकिंग पिलाना है रात तक, तो 3 लीटर पानी आप पी जाओ और 6 लीटर यानी लगभग करीब में आपके खर्चे सूची आज के 20-25 रुपये लीटर पानी हो गया। यानी आपको लगभग करीब में एक दिन का खर्चा नियर अबाउट 70-80 रुपये आप पानी पे खर्च करते हैं। और आपने जो एक्यूरेट आपको बॉडी के लिए 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत है, अगर आप पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें तो 100 रुपये का पानी पी जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि पानी का कितना मूल्य है। किसी शहर में आप चले जाइए, 1 रुपये की पाउच में पानी पीने लगा है। आप कभी लखनऊ या किसी मेट्रो सिटी में जाइए, पानी का मूल्य वहाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं पानी के लिए। तो ये सब क्षेत्र है, वैसे सूखे क्षेत्र हम लोग बड़े अच्छे क्षेत्रों में हैं जहाँ पर पानी की सुलभता है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है बेटा, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर है। ठीक है, आगे उसी में लिखिए, मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कीय चट्टानों से निर्मित है। यानी पूरा प्रायद्वीप का 2/3 भाग किससे आच्छादित है? आर्कीय चट्टानों से। एग्जाम में पूछेगा कि किस चट्टान का विस्तार, 6 तरह की चट्टाने भी मुझे बताई आपको लिखा है यहाँ पे, इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज्यादा किस चट्टानों का बना हुआ है, तो आर्कीय क्रम की चट्टानों का निर्मित है। 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, निर्मित है। इसमें 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टाने मिलती हैं, इसमें या इनमें 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टाने मिलती हैं। 3 प्रकार की चट्टाने मिक्स हैं, इसमें सभ्यता युक्त चट्टाने मिलती हैं। नंबर 1 है बेटा इसमें बंगाल नीस बंगाल की चट्टाने। दूसरा है बुंदेलखंड नीस, और तीसरा है बेटा नीलगिरी नीस। यानी आर्कीय चट्टानों को 3 भागों में बांट दिया गया बेटा। एक हो गया बंगाल नीस, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा नीलगिरी। ठीक है, तो देखो नीलगिरी का जो क्षेत्र पड़ता है वो ये क्षेत्र आपका है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र बता रहा है। तो आर्कीय क्रम की चट्टानों से निर्मित जो है वो एक यहाँ पर है, दूसरा आपका ये झांसी वगैरह बुंदेलखंड वगैरह का जो क्षेत्र नाम होता है ना वो वाला क्षेत्र है, और बंगाल में जानी है बंगाल का क्षेत्र है। ये आर्कीय चट्टाने इसी क्रम की चट्टाने मिलते हैं, तो क्या स्पेस का अधिकार है। ठीक है, चलिए इन तीनों में से बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन है। बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन है।
क्लियर। अब चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरे नंबर की चट्टान उसकी डिटेल करिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टाने आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टाने आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के, आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी, अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टाने हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। विकास नहीं हुआ था, अर्थात इस समय के जीवों का विकास नहीं हुआ था। इस क्रम की चट्टानों का जन्म, कर्नाटक के धारवाड़, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा इन सब चीजों से, तो आप लोग तैयार करके आइएगा। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी व शिमोगा जिलों में हुआ है। ये कर्नाटक के जनपद है सब, ठीक है। धारवाड़ जो है कर्नाटक का ही जनपद है और उसी के नाम पर ही धारवाड़ क्रम की चट्टाने पड़ी। क्लियर। कुड़प्पा क्रम की चट्टाने आगे मिलेंगी जो कि आंध्र प्रदेश का राज्य का एक जिला है, तो उसी के नाम पर पड़ गया, ठीक है। कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट, तो उसी के नाम पर कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। तो बहरहाल हम लोग धारवाड़ पढ़ रहे हैं, तो धारवाड़ के नाम डिस्ट्रिक्ट है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है कर्नाटक का, ठीक है। तो वो पूरा जिला ही चट्टानों से निर्मित है, तो सबसे पहले वहां पर पता भी चट्टाने चले जो स्थान थे उसी के नाम पर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम सुने, तो सिंधु नामक स्थान पहली बार खुदाई की गई थी तो स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले पड़ा। उसी तरह से इन चट्टानों की प्राप्ति जो हुई है वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ही मिली है। इस कारण से इसको मूल रूप से इसमें जो जनपद है धारवाड़ है, इसी नाते धारवाड़ क्रम की चट्टाने कही जाती है। चलिए, बेलारी व शिमोगा जिलों में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय, वह प्रायद्वीपीय, यह प्रायद्वीपी, सॉरी ऐसे लिखिए, यह प्रायद्वीप, ऐसे यह प्रायद्वीप वाय प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है, यानी प्रायद्वीप में भी पाई जाती है और प्रायद्वीप के बाहर भी पाई जाती है। दोनों ही में पाई जाती है। अरावली श्रेणियां, अरावली श्रेणियां बालाघाट, अरावली श्रेणियां बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, मेघालय पठार, मिकिर की पहाड़ियां,
तथा दिल्ली श्रेणी आदि के आदि क्षेत्रों के दिल्ली श्रेणी आदि क्षेत्रों के अलावा वाय प्रायद्वीपीय भारत में निकट की पहाड़ियां तथा दिल्ली श्रेणी आदि क्षेत्रों में के अलावा वाय प्रायद्वीपीय भारत में लद्दाख जास्कर व कुमायूं पर्वत श्रेणियों स्पीति घाटी के निकट वैक्रता श्रेणी तथा असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी आदि के शिखरों एवं गर्तों में पाई जाती है ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना मैग्नीज लोहा तांबा टंगस्टन क्रोमियम जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलती है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बेटा कि धातु चट्टानें किन में मिलती हैं तो धारवाड़ की चट्टानें हमेशा याद रखिएगा कि ये खनिज से संपन्न चट्टानें हैं सोना वगैरह जितने भी धातु हैं लोहा वगैरह सब बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है ठीक है जितने भी हैं कोबाल्ट है अमरक है ये सब चीज़ें इसी में मिलेंगी लोहा तांबा टंगस्टन ये सब जो है धातु धातु खनिज मिलेंगे और गैर धातु खनिज भी इसमें मिलते हैं अभी आगे लिखते हैं हम तो जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं इन्हीं चट्टानों से फ्लोराइट सीसा इल्मेनाइट सुरमा
बुलप्राम बुलप्राम अभ्र कोबाल्ट कोबाल्ट एस्बेस्टस एस्बेस्टस गार्नेट संगमरमर गार्नेट संगमरमर कोर्डम खनिज कोर्डम खनिज प्राप्त होते हैं खनिज प्राप्त होते हैं सोना कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से सोना कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की घाटी में बहुतायत में मिलता है झारखंड ये तो सोने के बारे में बात होगी कर्नाटक से कहाँ मिलता है तो सोना सोने की भी धारवाड़ कर की जो चट्टाने महत्वपूर्ण है वो कहाँ की है कर्नाटक में ठीक है और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट तो फेमस है ही आपका शिमोगा धारवाड़ और बेलारी बेलारी ठीक है धारवाड़ शिमोगा और बेलारी की जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सोना बड़े पैमाने पर पाया जाता है ठीक है और लोहा कहाँ पाया जाएगा अब चूंकि आर्किन तरफ की चट्टानों में लोहा भी पाया जाता है तो लोहा किन किन जगहों किन किन राज्यों में मिलेगा उसके बारे में लिखिए चलिए लोहा डैश झारखंड ओडिशा गोवा झारखंड उड़ीसा गोवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो कर्नाटक में अधिक मिलता है धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में फोल्डेबल माउंटेन के रूप में मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था इसके बाद यह समतल हो गई इसके बाद यह समतल हो गई यह विश्व के सबसे यह विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत था पर्वत था अब यह अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल इस शब्द है के रूप में विद्यमान है अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है यह अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है यह अवशिष्ट विद्यमान है नेक्स्ट करें बच्चों कुड़प्पा क्रम की चट्टान तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टान है इनकी डिटेल करते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण
धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है। परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। वहां पर यह एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है ये चट्टाने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई का मन करके लिखिएगा प्लेस के नाम पर सर, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी चेयार श्रेणी तथा पापा धनी श्रेणी में भी विस्तृत रूप में पाई जाती है बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट स्लेट संगमरमर एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इनको निर्माण सामग्री मिलती है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टाने आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है इन चट्टानों से लोहा तथा मैंगनीज
कुड़प्पा तथा कर्नूल जिलों में एस्बेस्टस व टाल्क का रंगीन पत्थर भी प्राप्त किया जाता है बालू पत्थर का चूने पत्थर सीसा तथा पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा कोबाल्ट तथा राधा प्राप्त किया जाता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टाने, चौथा पॉइंट है, नोट करें विंध्यन क्रम की चट्टाने। ये हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट था, काफी कुछ हम लोगों ने देखा, तो वो क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, कल इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि सभी लोग जवाब अच्छा देंगे, ठीक है। बाकी से